पुलिस कर्मियों के लगातार कोरोना संक्रमण के शिकार होने के बाद अब विशेष सावधानी बरती जा रही है। उन्हें और उनके परिवारों को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए थानों में तैनात करीब 2100 पुलिस कर्मियों के रहने की व्यवस्था होटल भवन मैरिज गार्डन में की जा रही है। ये पुलिस कर्मी अपने थाना क्षेत्र के होटल में रुकेंगे। एक कमरे में एक पुलिस कर्मी रुकेगा। शारीरिक रूप से उनकी मजबूती के लिए विटामिन सी की गोलियां देकर उनकी ड्यूटी के घंटे कम किए गए हैं। बता दें कि दो दिन से पुलिस और उनके परिवार मिलाकर करीब 15 पुलिस कर्मी और परिवार संक्रमित हो चुका है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए रोजाना 70 पुलिस कर्मियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस में रिजर्व पुलिस बल के लिए पुलिस लाइन में फुल बॉडी सैनिटाइज मशीन लगा दी है। पुलिस कर्मियों को इस मशीन का उपयोग करने के लिए कहा गया है। लोगों को मशीन के सामने से होकर गुजर कर ही निकलने के लिए बोला गया है। तो पुलिस कर्मियों के लिए अब ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें होटल्स में ही रहना पड़ेगा। राजधानी भोपाल में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में पुलिस महकमा और स्वास्थ्य विभाग भी इससे अछूता नहीं रहा। इसे देखते हुए 21 पुलिस कर्मियों के लिए अब होटल में रुकने की व्यवस्था की गई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए थानों में पदस्थ थाना प्रभारी समेत पुलिस कर्मियों को होटल में रखा जाएगा। वे घर नहीं जाएंगे। पुलिस ने हर थाना क्षेत्र के होटल धर्मशाला मैरिज गार्डन को अधिकृत कर लिया है। वर्तमान में शहर के 4 जोन के करीब 2100 पुलिस कर्मी तैनात यहां पर किए गए हैं। इनके ठहरने के लिए 1200 कमरों को पहले ही अधिग्रहित किया जा चुका और जरूरत पड़ी तो और कमरों को भी अधिग्रहित किया जाएगा। इसके साथ ही 5 लोग इन पुलिस कर्मियों के परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट जिस तरह से 5 लोगों की पॉजिटिव आई है, उसे मिलाकर पुलिस वाले और उनके परिवार में ही कुल 15 मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। अब